ग्वालियर शहर की जनकगंज पुलिस पर एक बार फिर सवालिया निशान लगे हैं। नई सड़क पर बावन पाएगा में रहने वाले युवक राजेश धौलपुरिया ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार के लोगों का आरोप है कि पुलिस ने बुधवार रात 11 बजे मृतक राजेश को उठा लिया था। बाद में उसे तड़के 2 बजे थाने से रिहा किया गया, लेकिन इसके बदले राजेश धौलपुरिया से पुलिस ने 25,000 रुपए वसूले थे। परिवार के लोगों का कहना है कि पुलिस ने राजेश को तभी छोड़ा जब उसने 25,000 पुलिसकर्मियों को दिए। इसके बाद राजेश ने अपनी घर में फांसी लगा ली। इस मामले में परिजन ने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं है। और वो व्यक्ति तो जिस हमला किसी नशा भी नहीं करता था, पुड़िया भी नहीं खाता था और किसी से बोलता भी नहीं था। जिस हमला बस सिर्फ अपने काम से काम धरता था, बस अपने लैब पे भी जाता था वो। और थोड़ा क्या है कि उसको कोई काम मिल जाता था तो मंडी वगैरह में भी चला जाता था। जी कल राजेश धौलपुरिया, कल उसको क्या है कि पुलिस वालों ने रात को 11 बजे बावन पागा से जवाहर सिंह की पागा से उठाया उसको। किस बीच में उठाया कोई पता ही नहीं है, ठीक है ना। और फिर वो क्या है कि 2 बजे उसको मतलब ये भतीजे के पास फोन गया है तो भतीजा वहाँ पे गया है। मेरे को फ़ोन लगाया भतीजे ने तो मेरा फ़ोन नहीं लग पाया था। अरे भतीजे कहना है कि चाचा जी आपको फ़ोन नहीं लग पाया था। तो इसका क्या है कि इसको बोला है पुलिस वालों ने कि आचार संहिता चल रही है और TI साहब आएंगे तो इस पर केस लगा देंगे। बताइए ना किस बात पर केस लगा देंगे कोई मान। ये नई सड़क पर रहने वाला व्यक्ति है राजेश वाल्मीक, उम्र 35 वर्ष है। इसने जो है रात में अज्ञात कारणों से फांसी लगा ली है। इसमें मर्द पंजीकृत कर मृतक का जो है वो PM कराया जा रहा है। नहीं, कल जो है वो शाम को इसको नई सड़क से ही जो है वो देसी शराब ले जाते हुए पकड़ा गया था, जिसमें विधिवत थाने में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है और उसमें FIR के बाद जो है आरोपी को नोटिस पर छोड़ा गया था। उस पर क्या कार्रवाई किया? उसमें आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है, FIR है उसमें। अभी मर कायम हो गया है और जाँच चल रही है, आगे अनुसंधान में जो भी चीज़ें आएंगी।